नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके न्यूज टक चैनल पर। बात करेंगे आज बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव के बारे में। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कैलाश चौधरी के सामने ये रहेगी सबसे बड़ी चुनौती। तपते रेतीली धोरों में इस बार भाजपा के जाट में कांग्रेस के राजपूत समुदाय से जुड़े प्रत्याशियों के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। कैलाश चौधरी का ये पहला लोकसभा चुनाव होगा। वही मानवेंद्र सिंह यहाँ से भाजपा प्रत्याशी के रूप में एक बार सांसद रह चुके हैं और दो बार चुनाव हार चुके हैं। साथ ही गत लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह के प्रचार की बागडोर भी संभाली थी। साथ ही विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव हारने के बाद मानवेंद्र सिंह पूरी तरह से इस क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क करने में जुटे रहे। ऐसे में देश के दूसरे सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र में कैलाश चौधरी के समक्ष बहुत कम समय में सभी मतदाताओं के पास पहुंचने की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। आपको क्या लगता है कि यहां पर सांसद कौन बनेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, राजनीति से जुड़ी हर प्रकार की खबरें आपके बीच में लाता रहूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।